एबीसी टेस्ट आज रोज 28 तारीख को जमालपुर में एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस फ्री मेडिकल कैंप में लोगों ने इसका भरपूर आनंद उठाया और सैकड़ों की तादाद में लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। इस कैंप में कहीं डॉक्टरों की टीम मौजूद रही, जैसा कि आँख का डॉक्टर, कान के डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर और जनरल डॉक्टर उपस्थित रहे और वो लोगों को एक अच्छी चेकिंग दी। और यह फ्री मेडिकल कैंप निःशुल्क रहा। इसकी फ्री मेडिकल चलने के संबंध में जमालपुर खड़िया विधानसभा के इमरान भाई खेड़ावाला, कांग्रेस विधायक मुश्ताक भाई खड़ीवाला, ऑल इंडिया मसली से इतिहादुल मुस्लिमीन पार्टी के काउंसलर मुश्ताक भाई खड़ीवाला, अहमदाबाद गोमती पूर्व विस्तार के काउंसलर इकबार शेख, दानी लिमटा वार्ड के काउंसलर तस्लीम आलम तिरमिजी उपस्थित रहे और इस प्रोग्राम के आयोजकों का हौसला बुलंद किया और इनकी हौसला अफजाई की। आने वाले दिनों में कैंप के आयोजन इससे भी अच्छा प्रोग्राम करें और अहमदाबाद की आवाज़ को चिकित्सा के बारे में अच्छी मेडिसिन प्रोवाइड करें। संचालकों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: एजी शेख, समी ना, एजाज झागड़ू, एजाज भाई झागड़ू, एबीसी ट्रस्ट। सर, जो आपके और यहाँ पर भारी मात्रा में लोग अपने इलाज के लिए और अपनी चेकिंग के लिए यहाँ पे आए हो, तो आपको सबसे पहले तो मेरे जमालपुर खाड़िया विधानसभा विस्तार के अंदर एबीसी ट्रस्ट मेडिकल की जानिब से मेडिकल कैंप रखा गया है और ग्रीन पैथोलॉजी लैब के जनरल से भी दोनों के संयुक्त का नाम से यहाँ रखा है। जमालपुर के अंदर मैं समझता हूँ कि अभी तक मुन्ना भाई और ये जागड़ू भाई हमारे, इनकी टीम ने बहुत से कैंप किए और ये आज सुबह से ये कैंप के अंदर जिस तरह से लोग हिस्सा ले रहे हैं, यहाँ अलग अलग जात के टेस्ट हो रहे हैं, फ्री में हो रहे हैं, अलग अलग जात की जो दवा डॉक्टर लिख के मेडिसिन दे रहे हैं वो फ्री दे रहे हैं। तो ये समझता हूँ कि ऐसे जो कैंप होते हैं उसमें काफ़ी जो गरीब लोग होते हैं, मिडिल क्लास लोग होते हैं, उनको बहुत से फ़ायदा होता है। साथ साथ में जब ऐसे कैंप ये मुन्ना भाई और इनकी जो टीम करती है और ये जो ग्रीन लैब वाले करते हैं, उसके अंदर जो बाहर जो टेस्ट होते हैं वो 500 रुपये में होते हुए, अगर जो अभी डिस्काउंट चाहिए तो आप यहाँ डिस्काउंट से भी वो लोग इनकी लैब के अंदर जाते हैं तो कर देते हैं, तो उसमें भी गरीबों को बहुत फ़ायदा होता है। तो आज जिस तरह से मेडिकल महंगा हो गया है, महंगे मेडिकल के अंदर ऐसे जब कैंप होते हैं तो सरकार को भी मैं समझता हूँ कि इसके अंदर ये जो ऐसी संस्थाएं हैं उनका सम्मान करना चाहिए कि काफ़ी जो सरकार का काम ये खुद कर रहे ले, गरीबों का काम ये खुद कर रहे ले, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो या राज्य सरकार हो, ऐसे जो बहुत से मेडिकल स्टॉल चलाते हैं, मेडिकल अलग अलग हॉस्पिटलें चलाते हैं, लेकिन ये जो संस्थाएं जो काम करती है ये संस्था बहुत बेहतरीन काम करती होती है। और ऐसा नहीं, ये संस्था जमालपुर में किया, शाहपुर में किया, दरियापुर में किया, कालोपुर में किया, खाड़िया में किया, बहरामपुरे में किया, जहाँ पर आप जा कहेंगे वहाँ पर ये डॉक्टर की इनकी जो पूरी टीम है वो सब लग जाती है और काम करती है। तो आज के दिन मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से मेडिकल के साथ साथ लोगों को जागरूक भी होने की ज़रूरत है, साफ सफाई की भी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आज पॉल्यूशन वाला पानी पीने से भी समझो ज़्यादातर लोग बीमार हो जाते हैं गंदे पानी पीने की, तो बहुत सी जगह पे पानी की ऐसी फरियाद आती है तो ये डॉक्टर के जरिए हमको पता चलता है कि आपके विस्तार के अंदर ये विस्तारों में गंदा पानी आता है, यहाँ आप चेक करवाइए, तो ये भी हमको भी एक अच्छी जानकारी इनकी टीम की तरफ से दी जाती है, तो हम वहाँ पे कॉरपोरेशन की टीम को भेजते हैं। और खास करके मैं और ग्यासू भाई, मैं आपके जरिए, आपकी चैनल के जरिए मैं जो लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सरकार ने जो आयुष्मान कार्ड बनाया है वो हर एक घर में, हर एक फैमिली के घर में होना चाहिए। आज कोई आदमी बीमार पड़ता है तो उसको फिर बाद में आते भागम भागी करते हैं कि हमारे पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। सरकार ने 10 लाख रुपए की सहाय के साथ ये कार्ड बनाया है तो हर एक घर के अंदर ये कार्ड होना चाहिए जो फ्री में निकल जाता है। और तमाम सुविधा, मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है कि इसमें बड़ी बड़ी जो तुम्हारे एक जमाने में था कि भाई कैंसर की, किडनी की, वो बीमारी के लिए चलता था, अभी सब बीमारी के लिए, तमाम बीमारियों वो कार्ड तुम्हारा चलता है,
जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी चलता है, एसपीपीओ उसमें भी चलता है, सिविल में भी चलता है, सरकार की तमाम हॉस्पिटलों में चलता है। तो मैं लोगों को यही गुजारिश करता हूँ कि आप आयुष्मान कार्ड जरूर से करवा लें, अपने घर के, अपने परिवार के, अपने फैमिली के हर एक मेंबर का कार्ड के अंदर नाम मेडिकल जो बुक बनती है उसके अंदर होना चाहिए। शुक्रिया। नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये जो ट्रस्ट है, जो जिस तरह से काम करते हैं, ये प्रजा के अंदर, पब्लिक के अंदर क्या क्या करते हैं, इनके अंदर ऐसा होता है कि जो बड़े बड़े डॉक्टर, जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल होती है, उनकी जो टीम आती है वो यहाँ आती है, और ऐसा लगता है कि बहुत बड़े, जैसे यहाँ अभी टेस्टिंग हो जाता है, उसके बाद अगर ऑपरेशन की जरूरत है तो प्राइवेट हॉस्पिटल जो है यहाँ, जो संस्था के अंदर कैंप लगा दे, वो उनको वहाँ पर ले जाते हैं, उनको वहाँ फ्री में। खुशी का मौका है यहाँ पर, और रिकॉर्ड ब्रेक यहाँ रजिस्ट्रेशन 400 के ऊपर हुआ है, इसलिए मैं एबीसी के जो ट्रस्टी है मुन्ना भाई, शहजाद भाई जागड़ू, उन सबको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम बाद में यहाँ पर मेडिकल कैंप हुआ नहीं था, इसलिए पब्लिक इंतजार करके बैठ रही थी, इसलिए आज जो ये मौका आया है तो पब्लिक हाथ से जाने नहीं दे रहे, अभी तक भी रजिस्ट्रेशन चालू है और पब्लिक यहाँ पर आ रही है। हमारे मजबूरी से थोड़े टाइम के बाद हमारे को रजिस्ट्रेशन बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी पब्लिक आएगी शाम तक इनको हम ट्रीटमेंट दे नहीं सकेंगे। दूसरे यहाँ पर जो डॉक्टर साहब यहाँ पर आए हुए, उनको सबको मैं मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि इतनी बड़ी लिस्ट है, अगर मैं देने जाऊँगा तो करीबन 10 मिनट चली जाएंगी, इतने डॉक्टर यहाँ पर सेवा में आए हैं। मैं एक बार फिर काउंसलर गोमतीपुर से, आज अभी लोगों हिंदी में आज हम सब जमालपुर के अंदर आए हुए इकबाल होटल के करीब जो पटांगण है पिपली साहब पिपली का, वहाँ पर तशरीफ रखते हैं। एबीसी ट्रस्ट की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी एक मेडिकल कैंप जो हो रहा है, जिसके अंदर फिजिशियन, सर्जिकल, पीडियाट्रिक, ऑर्थोपेडिक, गायनेक, ईएनटी, तमाम प्रेजेंट के डॉक्टरों की हाजिरी है, बहुत बड़ी तादाद में जमालपुर के और आसपास के विस्तार के लोग इसकी सेवा ले रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और मैं मानता हूँ ऐसे कैंप हर विस्तार में होना इसलिए चाहिए ताकि गरीब लोगों को इसका लाभ मिले, और मखसूस बात तो यह है कि जो ब्लड रिपोर्ट महंगे हो गए इतने, जिसके लिए दो दो तीन तीन हजार रुपए बॉडी चेकअप के लिए, पूरी प्रोफाइल के लिए देना पड़ता है, वो आदमी नहीं दे पाता है, गरीब लोग उसका टेस्ट नहीं करा पाते हैं, इसके लिए जो ढंग से उनका निदान होना चाहिए, जो ढंग से उनकी पूरी ट्रीटमेंट होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है, और ऐसी ट्रीटमेंट भी जो है यहाँ पर 25-30% के माथे पर रकम, छोटी सी छोटी रकम में पूरे टेस्ट हो रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि ऐसी संस्थाओं को अल्लाह ताला दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता पर, ताकि गरीबों का और आम प्रजा का काम होता रहे। मैं हमारे साथी और हमारे अजीज दोस्त मुन्ना भाई और डॉक्टर शमीना बेन, शहलत भाई, तमाम डॉक्टरों को जो ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं, उनको मैं, मेरे बाप, मेरे साथी सीनियर आगेवान अहमदाबाद शहर की जानी मानी हस्ती, ऐसे हमारे तस्लीम आलम तिरमी जी साहब, अहमदाबाद मायोटिस के प्रेसिडेंट, हमारे साथी पप्पू भाई दाणिमरा के एक्स प्रेसिडेंट जनाब जफर भाई, अहमदाबाद शहर में बहुत ही अच्छा काम करने वाले हमारे जुहापुरा के मलिक साहब, और मेरा वो साथी जो बिल्कुल बरसों से हमारे साथ रहकर कॉरपोरेशन में आज की तारीख में भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम तमाम ने आकर इनका हौसला अफजाई करने की कोशिश की है। हम अल्लाह ताला से फिर से दुआ करते हैं कि ये कैंप कामयाब रहे और इनको और भी अच्छे कैंप करने की शहर में ऐसी अल्लाह हिदायत दे, ताकि और गरीब लोगों का फायदा होता रहे। खुदा हाफिज। मैं तस्लीम आलम बाबा साहब तिरमी जी, मैं बहरामपुरा वार्ड का काउंसिलर हूँ और ईद मिलाद का सेंट्रल कमेटी का भी चेयरमैन हूँ, और मुझे डॉक्टर मुन्ना भाई
एबीसी ट्रस्ट के प्रेसिडेंट है और डॉक्टर साहब मुन्ना भाई हर जहाँ भी होते हैं कैंप हमको सीनियर को सबको बुलाते हैं और इकबाल भाई कॉरपोरेटर और हमारे अच्छी टीम जफर अजमेरी पप्पू हमारी जो टीम है हम इनके वहाँ जब भी ये लोग कैंप हर महीने दो महीने तीन महीने छः महीने जब भी करते हो मेरे को मुन्ना भाई डॉक्टर साहब याद करके हमको बुलाते हैं और मुन्ना भाई को अल्लाह का करम है और इनकी इज्जत है और जितने डॉक्टर है मैंने सुना कि यहाँ 26 डॉक्टर आए और मुन्ना भाई सब डॉक्टर को बुलाते हैं हिंदू मुस्लिम एकता और एकता लेके चलते हैं। डॉक्टर मुन्ना भाई जो है यहाँ एबीसी के प्रेसिडेंट है उनको बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ और मैं यहाँ आया हूँ उनके लिए बहुत बहुत उनके लिए और दुआ करता हूँ कि और आगे कैंप चलाओ और हमारे जो सीनियर है बहुत भी अगर ये हमारे मुस्लिम में सबको बुलावे और उनके साथ हम मेरे लायक मुन्ना भाई डॉक्टर को बोलना चाहता हूँ मेरे लायक कुछ भी काम हो काउंसिलर का तो मैं आधी रात को इनके लिए काम करने तैयार हूँ। शुक्रिया। उनका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम एजाज जागरू है, एजाज मनीष भाई जागरू। मैं पांच आदमी में रहता हूँ, मेरी आर्कियोलॉजी लेबोरेटरी है। मेरी ये सबसे लाइफ का सबसे बड़ा जो फर्स्ट टाइम ही मैंने एक कैंप ऑर्गेनाइज किया है मुन्ना भाई सीबीसी ट्रस्ट के प्रेसिडेंट के साथ करके, उनकी काफ़ी मेहनत के साथ उन्होंने मुझे हेल्प किया है और मैनेजमेंट मेरा है, डॉक्टर की पूरी टीम उनकी है, बिना सुन के लोगों ने ये कैंप ऑर्गेनाइज किया है। इतनी एक्सपेक्टेशन ये थी कि इतना पेशेंट यहाँ आए, रात तक 400 पेशेंट का रजिस्ट्रेशन हो चुका था लेकिन यहाँ पूरे 400 के साथ पूरे 400 आने के बाद 800 के आसपास रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो गए और फ्लो चालू है और यहाँ तकरीबन हर बीमारी के डॉक्टर आए हुए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट किया हुआ है, सब फैसिलिटी है। आँख के चश्मे का है, आँख कान के लेके डॉक्टर है, गायनेक डॉक्टर है, फिजियोथेरापिस्ट है, डायबिटीज स्पेशलिस्ट है, इवन चिमड़ी के डॉक्टर भी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई दे रहे हैं। चेकअप तो सब फ्री है ही है और चमड़ी की दवाई भी फ्री मिल रही है। इवन लेबोरेटरी की तरफ से हम लोगों ने फ्री डीसी भी रखा हुआ है, बॉडी प्रोफाइल भी रखा हुआ है। इवन फ्री जो भी बाल की रिपोर्ट लेके आएंगे उन लोगों को हम 50% से ज़्यादा हम डिस्काउंट भी दे रहे हैं, काफ़ी अभी तक फ्लो चालू है। अच्छा, तो जैसा तो देखा जाए कि आपने बताया कि जो हमारी सोच थी उसके ऊपर से लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो जमालपुर की जनता और जो पूरे अहमदाबाद से एतराब से जो लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं आपके कैंप में, तो आपको आप उन्हें क्या कहना चाहोगे? जो बस यही कहना कुछ नहीं है, पब्लिक ने भीड़ दिखा के उन्होंने ही जवाब दे दिया है। हम लोगों को बहुत जरूर है ऐसे कैंप और आगे भी हम लोग आपके मतलब सपोर्ट से हम करेंगे इंशाल्लाह। मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतनी पब्लिक इधर आएगी। हम लोगों ने कैंप की जो ऑर्गेनाइज का सोच थी कि 4 से 5 डॉक्टर भी जाने की थी लेकिन 4-5 डॉक्टर भी आए, उसको देखते दूसरे डॉक्टर आए, जैसे हमारी 25 से 30 डॉक्टर की टीम थी भी। उसके बाद भी हम लोगों ने इमेज वायरल कर दी, उसके बाद डॉक्टर का बहुत रिस्पॉन्स आया, हमको भी आना है, इसके डॉक्टर का भी सपोर्ट देखिए। हम लोगों ने अभी से प्लानिंग किया है कि हम लोग आगे जल्द से जल्द दूसरा कैंप करने की कोशिश करेंगे और इससे भी अच्छी कोशिश करेंगे। ठीक है, आपके फाउंडर सन का परिचय दीजिए। मेरा नाम जी ए शेख मुन्ना भाई, मैं एबीसी ट्रस्ट का प्रेसिडेंट बोलता हूँ और आज ये 5 पिपली चौकी के सामने इकबाल होटल के सामने हमने मेगा कैंप रखा है। इसमें तकरीबन 25 से ज़्यादा डॉक्टर हमने यहाँ पे कैंप में बिठाए, जिसमें एमडी फिजिशियन, कान नाक गले के सर्जन, दांत के सर्जन और चमड़ी के सर्जन, इसके अलावा गायनेक डिपार्टमेंट, इसके अलावा आँख की जितनी भी तपास है वो सब फ्री कर दी गई है और इसके अलावा जितने बॉडी प्रोफाइल के रिपोर्ट है वो भी फ्री करके दिए गए हैं। और यहाँ तकरीबन अभी 200 से ज़्यादा पेशेंटों ने अभी भाग ले चुके हैं और 400 पेशेंट का रजिस्ट्रेशन है हमारे पास और अभी भी पब्लिक का फ्लो चालू है। तो मैं आने वाले सभी जितने भी यहाँ पे जो हमारे यहाँ आए हैं मेहमान, उनसे मैं तहे दिल का इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आपको कैसा लगता है, क्या लगता है, कहाँ तक के यहाँ पे आपका जो आयोजन है? अभी रात को 400 तक का तो रजिस्ट्रेशन का था लेकिन रजिस्ट्रेशन बिना के भी अभी 200-300 पेशेंट की और आवश्यकता है। ये जो आप
आपने जो आयोजन किया है इसमें मेडिसिन भी प्रोवाइड करोगे या फ्री चेकिंग? नहीं, इसमें खाली डॉक्टर का फ्री चेकअप ही रखा गया है और स्किन की दवा फ्री दी गई है, और इसके अलावा जो बॉडी प्रोफाइल CBC जिसको बोलते हैं बॉडी चेकअप, वो फ्री कर दिया गया है। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।